और यहाँ पर दिखे कितना अच्छे तरीके से स्ट्रीट लाइटें लगा रहे हैं। ये दिखे भाई काफ़ी ज़बरदस्त लगती है भाई देखने में। ये दिखेगा अभी जो इसमें लाइट नहीं लगी हुई है, कुछ इस तरीके से लुक दे रहे हैं। दिखे जहाँ पे ये झूला वगैरह भी लगाया जाएगा अभी बच्चों के लिए, जैसे ये दिखे काम चल रहा है यहाँ पे। अपने मोहब्बरा वाले फ्लाईओवर में देखा होगा लगाया गया है झूला और जिम की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पे जो है झूले लगाए जाएंगे अभी इस एरिया पे जितना आप ये खाली देख रहे हो। अभी ये पूरा पेंटिंग जो है कम्प्लीट नहीं है, यहाँ पे नीचे भी इस पॉइंट पर पेंटिंग पूरा बनेगा। इधर लगभग बन ही गया है, इधर दिखेगा ये बीच में कुछ ये फ्लावर लगा दिए हैं, ये लोहे का बनाया जाता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे दर्शन नगर का फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा था उसका कितना काम हुआ है, कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अभी क्या चीज़ें अपडेट है पूरा आपको दिखाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा। चलिए दिखाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सामने आपको फ्लाईओवर देखने को मिल रहा होगा, अभी आपको चल के पूरा आपको दिखाएंगे कि उसके जो नीचे डेकोरेशन वगैरह किया जा रहा था वो कैसे हो रहा है। अभी काम चल रहा नहीं, पूरा आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर दिखेगा ये मार्ग जो कि देवकाली जाता है, और यहाँ पर दिखेगा कितना अच्छे तरीके से स्ट्रीट लाइटें लगा रहे हैं। ये दिखे भाई काफ़ी ज़बरदस्त लगती है भाई देखने में। ये दिखेगा अभी जो इसमें लाइट नहीं लगी हुई है, कुछ इस तरीके से लुक दे रहे हैं। देखिए ये दोस्तों पूरे मार्ग पे लगेगा, देखिए हुए आगे से पूरा लगा हुआ है, बिल्कुल देवकाली बाईपास से पूरा कंटिन्यू लगते हुए आ रहा है, और यहाँ पे इसको एंड किए हैं ये पॉइंट पे। अभी आगे एक दो और लगेगी, उसके बाद जो है सामने फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के बाद भी इस तरीके से जो है डिवाइडर बनाया गया है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें लगाई जाएंगी यानी सूर्यकुंड तक। ठीक है, तो चलते हैं आपको पूरा दिखाते हैं फ्लाईओवर का क्या अपडेट है, कैसे कैसे चीज़ें कर रहे हैं आपको पूरा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है सामने फ्लाईओवर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये पूरा बन चुका है। बीच में देखिए इस तरीके से डिवाइडर दे दिए हैं दोनों, एक साइड से जो गाड़ियाँ वगैरह जाएंगी दूसरे से आएंगी, और आगे काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। नीचे काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो चीज़ें अपडेट की जा रही हैं, अभी आपको चल के पूरा दिखाते हैं। ये देखिएगा ये इस साइड से तो पूरा कम्प्लीट है, आगे चल के जो रेलवे लाइन है वहीं से जो है पूरा काम रुका हुआ है। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लगभग चीज़ें कंप्लीट कर दिए हैं, लाइटिंग वगैरह भी लगा दिए हैं ऊपर। इधर से हम चलते हैं आपको दिखाते हैं उस साइड से पूरा। ये देखिएगा ये है सर्विस लेन जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा है, देखिए इसको क्या करते हैं क्योंकि अभी बहुत सही कंडीशन नहीं है इसका, इसको अपडेट कर देंगे थोड़ा बहुत तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी साइड में आप जो ये प्लेन वाल देख रहे हो ये भी पूरा जो है कलर्स वगैरह किया जाएगा, डिज़ाइनें बनाई जाएंगी जैसे कि हर एक फ्लाईओवर पर बनाई जाती है, मैंने कई बार आपको दिखाया भी है। अब चलिए आपको थोड़ा सा नीचे का भी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है फ्लाईओवर के नीचे का पूरा व्यू, देखिए अभी यहाँ पे आपको एम्बुलेंस वगैरह देखने को मिलेंगे क्योंकि आपको पता है सामने मेडिकल कॉलेज इधर भी है मंडलीय, और यहाँ पर देखिए भाई कितना खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन किया गया है, गद्दा बनाया गया है, इधर कुछ लाइनें वगैरह भी लिखी गई है, और सही यूज जो है अभी कर रहे हैं इसको पार्किंग के लिए। आगे चलिए आपको दिखाता हूँ डेकोरेशन वगैरह जो किया गया है वो। ये देखिएगा दोस्तों नीचे का कुछ व्यू इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे से भाई डेकोरेट वगैरह किया जा रहा है। अभी आप जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह खुलेगा, अभी तो फिलहाल ये बंद रहता है, जब ये पूरा फाइनल हो जाएगा तो यहाँ पे इसको भी कुछ ना कुछ में यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको इधर दिखाऊँ तो इधर भाई काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जा रहा, आज लोग आ रहे हैं इसका सही यूज़ करने। अभी ये देखिएगा कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठने के लिए ये चीज़ें बना दी गई हैं, ये पत्थर का बना हुआ है, और ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये पूरा व्यू इधर का, आपको थोड़ा पास से मैं दिखाऊं इधर तो ये देखिएगा दोस्तों ये है पूरा पत्थर का बनाया गया है इसको, और बीच में कुछ इस तरीके से सिंबल दे दिए हैं ये देखिए, और नीचे देखिए पत्थर वगैरह लगा के कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को कर दिया गया है। ये देखिए ये है, और सामने जो है रेलवे लाइन है जहाँ पर पूरा काम रुका हुआ है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये है फ्लाईओवर अभी जिसका काम यहाँ से रुका हुआ है जो कि किया जा रहा है। इधर देखिएगा अभी ये यहाँ तक ही बना हुआ है, इसको आगे अटैच करेंगे, अभी तो लगभग काफ़ी टाइम लग जाएगा। इधर से एक ही पतला सा मार्ग है, लोग जहाँ से पैदल आते हैं वो आते हैं, एक जो है उस साइड से वहाँ से, तो फिलहाल इधर से हम चलते हैं। चलिए इधर से चलते हैं, आपको पूरा दिखाते हैं आगे का अपडेट पूरा। ये देखिएगा अभी देखिए ये पूरा काम चल रहा है ऊपर, ये देखिए। चलिए उधर उस साइड निकलते हैं तब दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों उस पॉइंट से अभी काम चल रहा है जो कि उधर अटैच नहीं किया गया है, बाकी ये काम हो रहे हैं ऊपर से, बस देखिए लगता है दो तीन चार महीनों में कंप्लीट कर ही देंगे।
चलिए आपको थोड़ा सा हम उस साइड भी दिखाते हैं। अभी देखिए पैदल लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं इसी। ये देखिएगा अभी ये ऊपर वाला इस पार्ट पे काम नहीं चल रहा, जो कि पूरा अटैच करेंगे उस लेन पे ले जाके इसको। ये देखिए और इस साइड से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा इस साइड वाला लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, बस यही वाला ऊपर का पूरा काम चल रहा है जिसको पूरा अटैच कर रहे हैं इस लाइन को क्रॉस करने के लिए जिस पे अभी हम खड़े हैं। ये देखिएगा और ये वाला ले आकर कुछ यहाँ पे जोड़ा जाएगा इस पॉइंट पे। ये देखिए दोस्तों ऊपर कुछ इतना बनाए हुए हैं, अभी इसको पूरा अटैच करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये देखिए कुछ इसको जो है इस पर अटैच करेंगे इस पॉइंट पे और कुछ इस तरीके से जो है इसको बना रहे हैं। ये देखिए कुछ इस पॉइंट पे देखिएगा इधर सामने जो है दर्शन नगर मार्केट में ले जाके उसको पूरा मिला दिए हैं। इधर का भी लगभग पूरा काम कंप्लीट है, नॉर्मल सा मार्ग है जो कि लोग इधर से जाते हैं पटरियों फिर आगे निकल जाते हैं। ये देखिएगा अभी कुछ इस तरीके से जो है इसको बनाया जा रहा है, अभी देखिए कब तक कंप्लीट करते हैं फिलहाल। और इधर भी जो है नीचे काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। और लोग भाई काफ़ी ज़्यादा इस मार्ग से चलते हैं, बंद है फिर भी देखिए आगे करके क्या क्या चीज़ें करते हैं, कंप्लीट जल्दी हो जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर भी देखिएगा काफ़ी अच्छे से जो है डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें की गई हैं। ये देखिए नीचे आपको थोड़ा सा इस साइड से हम चल के दिखाते हैं। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है, इधर देखिए ग्रास वगैरह लगा के इधर पेंटिंग पूरा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये है सर्विस लेन जैसे कि उधर बना हुआ है, अभी इसको तो पूरा बनाएंगे क्योंकि इसकी हालत पूरा ख़राब है। और बीच में कुछ इस तरीके से बना दिया गया है जहाँ पे ये झूला वगैरह भी लगाया जाएगा अभी बच्चों के लिए। जैसे ये देखिए काम चल रहा है यहाँ पे, अपने मोहबरा वाले फ्लाईओवर में देखा होगा लगाया गया है झूला और जिम की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पे जो है झूले लगाए जाएंगे अभी इस एरिया पर जितना आप ये खाली देख रहे हो। और बाकी लाइटिंग वगैरह तो अभी पूरा काम चल ही रहा है, जैसे कि ये सारी चीज़ें में लाइट लगी हुई है यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ। ये देखिएगा ये देखिए लाइटिंग वगैरह इसमें लग चुकी है, अभी देखिए कब तक कंप्लीट करते हैं। जैसे ये आप एरिया देख रहे हो इतना वैसे वहाँ पर भी मैंने अभी आपको दिखाया था। और अब यहाँ पर देखिए नीचे जो है काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं भाई, पत्थर वगैरह डाल लगा के उसके बाद फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से दे रहे हैं। ये देखिएगा काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, बस थोड़ा सा स्लो है लेकिन देखिए कब तक कम्प्लीट हो जाता है। ये देखिएगा ये है कुछ इसके नीचे का व्यू, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इधर से मैं आपको चल के दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे देखिए पत्थर लगाए हैं उसके बाद फिनिशिंग दे दिए हैं और कुछ ये बीच में इस तरीके से लोगो भी लगा दिए हैं फूल जो कि बना हुआ है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोग बैठते भी हैं, काफ़ी अच्छा प्लेस बना गया है ये पूरा। और आगे जो है वो दर्शन नगर का मार्केट है, इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं इधर ये कहाँ पे ले जाके उसको एंड करेंगे। और ये चीज़ है ठीक है ये फुटपाथ के लिए काफ़ी अच्छे से और ये नॉर्मल मार्ग से ऊंचा भी रहेगा, तो ये चीज़ें अच्छा की गई है भाई, ठीक ही है एक तरफ से। ये देखिए अब यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट पर देखिए अभी ये पूरा पेंटिंग जो है कम्प्लीट नहीं है, यहाँ पर नीचे भी इस पॉइंट पर पेंटिंग पूरा बनेगा, इधर लगभग बन ही गया है। इधर दिखेगा ये बीच में कुछ ये फ्लावर लगा दिए हैं, ये लोहे का बनाया जाता है। और इधर का पूरा व्यू ये देखिए, इधर भी इस तरीके से पेंटिंग वगैरह सारी चीज़ें बन चुकी हैं। यहाँ पर शायद जिम का सामान लगाया जाए देखिए, क्योंकि जो है उधर जो है वो बच्चों के लिए झूले वगैरह लगेंगे, इधर देखिए जिम का सामान लग जाएगा तो काफ़ी अच्छा वो भी रहेगा लोगों के हेल्थ के लिए भी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी बगल है तो चीज़ें कुछ उस हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर जो है इसको यहीं पे एंड कर दिए हैं इस पॉइंट पे, अभी जबकि ये देखिए इतना ऊंचा है इसको आगे ले जाने में करीब करीब 100 मीटर अभी और लगेगा तब ये जो है वो ज़मीन पे टच होगा ये फ्लाईओवर, ठीक है। तो अभी आगे जाएगा, आगे जो है ये पूरा दर्शन नगर का मार्केट है, अभी मैं आपको दिखाऊँ। तो ये देखिए ये पूरा मार्केट है दर्शन नगर का, इधर देखिए जो ये इधर डक्ट बना हुआ है वैसे ही ये पूरा डक्ट ये सीधे जाएगा और आगे जो है मार्केट से होते हुए पूरा जाएगा, सूर्यकुंड होते हुए पूरा निकल जाएगा।
तो ये है कुछ इस तरीके से, ये दिखेगा अभी जो है इसको यहीं पे एंड किए हैं। देखिए आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा ही। चलिए जब तक ये कंप्लीट होगा आपको दिखाएंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।